हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला की रेसिपी। आपने तो हज़ारों बार भिंडी मसाला की रेसिपी खाए होंगे, लेकिन इस तरह से भिंडी मसाला की रेसिपी बिल्कुल नहीं खाए होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम भिंडी लिया है, कट कर लिया है उसे, और आलू को भी मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया था। और मैंने जो है एक चम्मच यहाँ पे तेल डाला है, कोई भी तेल ले सकते हैं। और हमें इसे यहाँ पे जो है भिंडी को फ्राई कर लेना है। हमें भिंडी को आधा 50% कुक कर लेना है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक भी डाल दिया है ताकि भिंडी हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इसे हम मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो भिंडी जल जाएंगे, भिंडी का कलर चेंज हो जाएगा। तो इतना ही हमें फ्राई कर लेना है भिंडी को। अब हम इसे निकाल लेंगे। और दो बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे तेल लिया है, आधा चम्मच जीरा का तड़का दिया है। जीरा का तड़का देने के बाद जो है मैं यहाँ पे एक इलायची डाल रही हूँ, छोटी इलायची। इससे इसका टेस्ट और इसका जो फ्लेवर, इसका खुशबू जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज को ले लिया है, और एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डालकर इसे पीस लिया है। इसे हम फ्राई कर लेंगे, प्याज को हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे, बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा, इस कलर का कर लेंगे हम। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिया था और दो हरी मिर्च को, इसे भी हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिए हैं, मैंने ग्राइंड कर लिया है, उसे भी हम यहाँ पर डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो हाई फ्लेम में हम भूनेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे भूनने में। तो आप देख सकते हैं हाई फ्लेम में ये कितना जल्दी इसका पानी ड्राई हो गया है, भुन गया है मसाला, और इसका जो ऑयल है ऊपर सेपरेट हो गया है, ऊपर तेल दिख रहा है। तो बस यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ले लेंगे, जैसे कि एक चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच जीरा पाउडर है, थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर है, और आधा चम्मच मैंने यहाँ गरम मसाला का पाउडर लिया है। बस उसे हम डाल देंगे, थोड़ा सा मिला लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो सूखे मसाले मैंने डाला है वो अच्छे से भून जाए। तो बस एक मिनट तक हम इसे भून लेंगे, ज़्यादा देर इसे हमें नहीं भूनना है। फिर साथ ही यहाँ पर मैं आलू ऐड कर दूँगी। आलू को मैंने फ्राई नहीं किया है, तो थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे हम और इसे मिला लेंगे, एक मिनट के लिए मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम पानी डाल देंगे आलू गलने तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, मैंने यहाँ पे आधा गिलास पानी डाल दिया है। मीडियम फ्लेम में हम इसे पका लेंगे। इसे हम ढक देंगे आलू को, और यहाँ पे स्लो फ्लेम में जो है ना, मीडियम फ्लेम में हम इसे बॉयल आने तक पका के इसे हम स्लो फ्लेम में 10 मिनट के लिए रख देंगे, तो आलू अच्छे से गल जाएगा। तो मैंने 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाया है। आप देख लें आलू गल गया है, थोड़ा सा कसर बाकी है। तो इसे हम इसे हाई फ्लेम में ड्राई कर लेंगे, थोड़ा सा और भून लेंगे अच्छे से, दानेदार जैसा मसाला जैसे दिखने लगे। तो मसाला हमारा भुन गया है, अब हम फ्राई की हुई भिंडी को इसमें डाल देंगे और इसे थोड़े से मिला लेंगे हम चारों तरफ से। उसके बाद यहाँ पे हम दो चम्मच दही लेंगे, और यहाँ पे दो चम्मच दही हम मिला देंगे। दही से इसका टेस्ट जो है ना, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, और इसका मतलब बहुत ज़्यादा ये चटपटा सा, बहुत ही ज़्यादा मतलब खाने में पराठे के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत ही मज़े की लगती है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने दो चम्मच दही डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे, इसे चलाते हुए मिला लेंगे, नहीं तो दही फटने का डर रहेगा इसमें। और इसे मिलाने के बाद जो है देखिए अच्छे से ये भून गई है, इसका सारा पानी जो दही का जो पानी था वो भी सूख गया है। अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे, अब अपने अंदाजे से पानी डालें। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी भर के डाला है और आधी कटोरी और मैंने डाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका ढक्कन लगा दिया है स्लो फ्लेम में, मैंने फिर से 10 मिनट इसे पकाया, और 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया। तो देख सकते हैं आप, हमारा भिंडी मसाला बनकर रेडी है। थोड़ी सी ठंडी होगी तो ये ठीक हो जाएगी, इतना ग्रेवी नहीं रहेगा।
अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डाल के हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।